हाय दोस्तों, केला प्रवे चैनल पर सबका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आज हम सुखियन की रेसिपी देखेंगे। ये केला स्टाइल स्नैक्स आइटम है और ये तो मूंग से बनाते हैं। मूंग जो होल मूंग है उससे बनाते हैं। बहुत टेस्टी है, स्वीट आइटम है पर ज्यादा स्वीट नहीं है। ये बहुत अच्छा टेस्ट है इसका। आप सब लोग ये ट्राई करके देख लीजिए, बहुत सिंपल रेसिपी है। अब चलिए देखेंगे ये कैसे बनाते हैं। सबसे पहले मूंग को भिगो के रखना है। मैंने यहाँ पे 6 घंटे के लिए भिगो के रखा है। मिनिमम 3 आवर्स तो भिगो के रखना ही है, तभी तो जल्दी कुक हो जाएगा। अब इसमें पानी और नमक ऐड करके अच्छे से कुक करेंगे। कुकर में कुक करना है तो कर सकते हैं, 1 सीटी रख के, पर ज़्यादा स्मैश नहीं होना चाहिए, तो इसलिए मैं तो ऐसे ढक के रख के कुक कर रही हूँ। ऐसे मीडियम फ्लेम पर रख के कुक करेंगे हम। अब देखिए, ये सारे जो मूंग खिला खिला हो गया है उतना होना चाहिए और बहुत सॉफ्ट होना चाहिए, पर ऐसे जो पानी वगैरह ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा ज़्यादा हो गया तो हमारा जो वो स्नैक अच्छा नहीं आएगा, तो इसलिए परफेक्टली कुक होना चाहिए। अब जैगरी सिरप बनाएंगे। उसके लिए 200 ग्राम जैगरी लिए है और उसमें हम थोड़ा सा पानी 1/4 कप जितना पानी ऐड करेंगे और इसका सिरप बनाएंगे। मीडियम फ्लेम पर रखें। जैगरीज अच्छे से मेल्ट हो गया तो स्टोव फ्लेम बंद करेंगे और इसको फिल्टर करेंगे हम। अब हम ये मूंग को एक प्लेट में डालेंगे और इसमें 1/2 कप नारियल डालेंगे। फिर इसमें इलायची पाउडर डालना है। नारियल अगर आपको पसंद नहीं है तो नहीं डाला तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम सिरप डालेंगे। सिरप ऐसे ज़्यादा नहीं डालना चाहिए, तो थोड़ा थोड़ा डाल के आप मिक्स कर लीजिए। हाथ से भी अगर मिक्स करना है तो कर सकते हैं। अब देखिए, इसके बॉल्स बनाना है तो इसलिए जैगरी सिरप देखे ही डाल दीजिए, मतलब ज़्यादा हो गया तो बॉल्स नहीं बना सकते हैं, तो इसलिए। अब हम इसके लिए बैटर बनाएंगे। मैंने यहाँ पर मैदा लिया है और 3/4 कप जितना मैदा है और थोड़ा सा नमक डालेंगे और 1/2 टीस्पून हल्दी डालेंगे। अब थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। बोंडा बनाने के लिए ऐसे हम बैटर बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे, मतलब उसका जो कंसिस्टेंसी उतना ही होना चाहिए, थोड़ा सा थिक होना चाहिए। अब बैटर भी रेडी हो गया है। फ्राई करने के लिए अब तेल भी गर्म करेंगे। अब देखिए, बॉल्स ऐसे बनाया है तो ये बैटर में डिप करेंगे हम, उसके बाद फ्राई करेंगे। मीडियम फ्लेम पर रखे ही फ्राई करना है। ये तो जल्दी फ्राई हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 मिनट में हो जाएगा। ये बाहर का जो पार्ट अच्छे से कुक हो गया तो तेल में से निकालेंगे हम, ऐसे ही बाकी में बनाएंगे। बहुत ईजली बना सकते हैं ये, इतना ही है। रेसिपी तो बहुत सिंपल है। इसको मलयालम में सुखियन बोलते हैं। ये बोंडा बहुत टेस्टी है और टी टाइम स्नैक्स रेसिपी है। आप सब लोग घर पर ट्राई करके देख लीजिए। ट्राई करने के बाद आपके फीडबैक्स कमेंट कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गया तो लाइक करना ना भूलें और फ्रेंड्स एंड फैमिलीज को शेयर भी कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टिल देन बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।